आई हूँ रोटरी दिल्ली कैपिटल चैरिटेबल ट्रस्ट में, जहाँ पर ये जो है आज यहाँ पर ब्लड डोनेट का जो है इक्विपमेंट लॉन्च होने जा रहा है। साथ ही साथ लोगों से बात करेंगे और ज़्यादा जानकारी लेंगे इस विषय में। बैंक के को चेयरमैन पीयूष गुप्ता जी के साथ हम हैं। सर, जैसा हमने सुना 3 सालों से आपने सपना देखा था, आज उसको साकार होते देख रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। और आज ही इनफैक्ट हम एक और ब्लड बैंक अनाउंस करने वाले हैं, वो भी हम इस साल में चालू कर देंगे, क्योंकि अब हमें एक्सपीरियंस हो गया, हमको सब नॉलेज हो गई है, एक ब्लड बैंक और चालू करने वाले हैं इसी साल में। हमारे साथ नवनीत जैन जी हैं, इनसे बात करते हैं। सर, क्या क्या रोल आप देखते हैं इस? बेसिकली ये जो रोटरी कैपिटल चैरिटेबल ब्लड सेंटर ट्रस्ट जो हमने बनाया है, एक ऐसी संस्था है कि जो कि अंडर प्रिविलेज क्लास को ब्लड देने के लिए, डोनर्स यहाँ पे नहीं होते, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे विसिनिटी में 3-3 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, GTB हॉस्पिटल है, कैंसर हॉस्पिटल है और एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उन सब के लिए यहाँ पे जितने लोग बाहर से आते हैं उनको एक अच्छा ब्लड मिल सके, साफ सुथरा ब्लड मिल सके। रविंदर जी मन से आते हैं, उनसे बात करते हैं। सर, जैसे आप लोगों ने आज सपना अपना पूरा किया, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा लगा है। हम लगभग 1 साल से इस तपस्या में लगे हुए थे। कुल मिलाकर जो हमारी टीम है, जिसमें हमारे क्लब के मुख्य प्रेरणा स्रोत पीयूष जी हैं, पूजा भाभी हैं, नवनीत जी हैं, नलिनी भाभी हैं और भोला जी हैं, सतीश जिंदल जी हैं, कपिल जैन जी हैं, संजीव जी हैं, अमन जी हैं, सब लोग दिन रात जिसको जब भी जो काम बताया गया, सबने बड़ी मेहनत से और बड़ी लगन से उस काम को अंजाम देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आशीष जी, आज के इवेंट के बारे में जानना चाहेंगे कि आज क्या क्या आप लोग करने वाले हैं? आज हम इसका ओपनिंग करने वाले हैं और हमारे जितने सारे चीफ गेस्ट हैं और सारे जो मेन मेंबर्स हैं और जो डोनर्स हैं वो सब आएंगे और सब मिलके इसका ओपनिंग करेंगे। हमारे साथ सतीश जिंदल जी भी है सर। ये जो हमारे DS ग्रुप के वाइस चेयरमैन हैं श्री पीयूष गुप्ता जी का सपना था, मैं, नवनीत भाई, भोला जी जिन्हें हम प्यार से कहते हैं, हम सब लोगों ने मिलकर बड़े एफर्ट्स करे और मन में ये थे कि इरेस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, क्रीड और कलर, हम बिना किसी भेदभाव के हम सब मानव सेवा करें और अधिक से अधिक लोगों को हम इसका लाभ पहुंचाएं। हम यहाँ इस ब्लड बैंक के थ्रू उनको ब्लड उपलब्ध कराएंगे, उनके लिए अगर उनके पास रिप्लेसमेंट नहीं भी हो तो भी हम उनको उपलब्ध कराएं, ऐसा हमारा प्रयास है रोटरी क्लब के माध्यम से। हमारा एक मकसद था कि हम नियर बाई करें, जितने हॉस्पिटल हैं उनके नियर बाई करें ताकि जरूरत को जल्दी पूरा किया जा सके, इसलिए हमने यहाँ रखने का प्रोग्राम किया। रोटरी ब्लड बैंक के प्रेसिडेंट राजेंद्र जी के साथ है। आज रोटरी ब्लड चैरिटेबल ब्लड बैंक का शुभारंभ होने जा रहा है। लोगों ने बहुत मेहनत करी है इसके पीछे। हमारे साथ जो नवनीत भाई खड़े हैं, ये तो कैप्टन हैं इस शिप के, इन्होंने बहुत मेहनत करी है और ये दिन आज सपना साकार हुआ है तो बहुत ही खुशी की बात है हम सब के लिए। ये सपना हमने 3 साल पहले देखा था, मगर इससे पहले हमने 20 साल पहले देखा था, जो पहले हमारा सक्रिय हो चुका, हमने तुगलाबाद में दिल्ली का पहला ब्लड बैंक बनाया था प्राइवेट, बाकी तो गवर्नमेंट के तो हैं ही, और हमारी बस यही है मन इच्छा कि ये ब्लड बैंक खूब सारे बढ़े। अब हम तीरथ राम हॉस्पिटल में बनाने की सोच रहे हैं। हमने इस एरिया में इसलिए बनाया है क्योंकि इस एरिया में 3 हॉस्पिटल्स हैं, तीनों गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, जो गरीब जन हैं उनको ब्लड में लेने में बहुत दिक्कत है। बहुत ही बढ़िया, ये हमारा रोटरी कैपिटल का ड्रीम प्रोजेक्ट है और हम इसके लिए बहुत देर से वेट कर रहे थे, बहुत मेहनत करी है और हमें आज ये सफलता मिली है, आज इसका इनॉग्रेशन है, वी ऑल आर वेरी हैप्पी। सैंपल इज टेकन टू दिस प्लेस, उसको यहाँ पे मैच करके
उसको यहाँ पे मैच करके देन व्हाट वी हैव इज कि यहाँ पे ऑलरेडी प्रोसेस्ड ब्लड है, ये प्रोसेस्ड ब्लड है जो कि सब कुछ पहले जब डोनर का आता है वो सब ऊपर होके यहाँ पे प्रोसेसिंग के बाद वी हैव दिस इज़ अ प्लेटलेट इंक्यूबेटर फॉर द प्लेटलेट्स। इसमें एजिटेटर है सो दैट प्लेटलेट्स कोगुलेट ना हो तो ये ऐसे मूव करता रहता है। इसकी शेल्फ लाइफ 5 डेज है। देन वी हैव रेफ्रिजरेटर जिसमें प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा की लाइफ हमारी वो 15 डेज है। ये रेड सेल्स के लिए है, रेड सेल्स दिस इज़ फॉर 40 डिग्री टेम्परेचर तक ये स्टोर करता है एंड इसकी शेल्फ लाइफ 1 मंथ है। और उसके बाद जब वहाँ से जो प्लाज्मा है वो फ्रोज़न फॉर्म में होता है उसको हम यहाँ पे मैं बताता हूँ, इधर ये बाथ्स हैं, इन बाथ्स के अंदर डाल के तो वो अपना पोजीशन ऐसे आ जाता है कि देन इट कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू अ पेशेंट। तो दिस इज़ द बाथ। सी वंस अ ब्लड विच वी हैव कलेक्टेड एंड हैज़ गॉन थ्रू द स्क्रीनिंग देन व्हाट वी हैव दिस इज़ आर सेंट्रीफ्यूज मशीन। दिस इज़ द हार्ट ऑफ द ब्लड सेंटर। दिस मशीन, इसमें यहाँ पे जो ब्लड हमने लिया है वो सेग्रीगेट होता है, वो प्लाज्मा प्लेटलेट्स रेड सेल्स वो सेग्रीगेट यहाँ पे होता है। दिस इज़ द मेन इक्विपमेंट। लेकर आई थी रोटरी दिल्ली कैपिटल चैरिटेबल ट्रस्ट में, जहाँ पर दिखाया गया कि किस तरीके से इन्होंने ब्लड के डोनेट की इक्विपमेंट को लॉन्च किया और साथ के साथ क्लब के सभी सदस्यों से बात की, जहाँ पर उनका कहना था कि आज ऐसा लगा कि सपना सच हो गया और आगे भी हम ऐसे ही मानव सेवा करते रहेंगे। कैमरा पर्सन बट्टी अग्निहोत्री के साथ मैं प्रीति जैन NNS मीडिया ग्रुप के लिए। तो ये थी आज की खास खबर, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिए NNS मीडिया ग्रुप।